अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइम व्लॉग्स। आज साइम व्लॉग्स पे हम आपको सिखा रहे हैं मटन फ्राई कढ़ाई। सो नोट कर लें क्या क्या डलेगा। दो मीडियम साइज़ प्याज हमने काट लिए हैं, एक इंच अदरक का पीस और चार से पांच जवे लहसुन के, दो बड़े टमाटर, तीन हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया। इसके बाद मसाले नोट कर लें, नमक एक चम्मच, रेड चिली दो चम्मच, हल्दी हाफ और करियंडर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सो दो कप डाला है पानी, उसमें 1 kg मटन डाल के बाकी तमाम मसाले लहसुन अदरक प्याज टमाटर भी डाल के इसको काफ़ी देर के लिए हमने चढ़ा देना है। पहले देखें जैसे ऐसे उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढक दूँगी, आँच कर दूँगी हल्की। पहले आँच रखी हुई थी तेज़ ताकि उबाल आ जाए। सो अब ढक दिया है, थोड़ी देर के बाद हम इसको उठा के देखेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स बाद हमने इसको चेक किया है तो प्याज टमाटर इसमें मैश हो चुके हैं। देखेंगे जो लहसुन के पीस हमें नज़र आए या टमाटर के कोई पीस नज़र आए तो उनको हम चम्मच की मदद से साइड पे करके पीस लेंगे ताकि वो बाद में मसला नहीं करें। सो ये चेक करें, हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूला करें, उसके बाद कमेंट किया करें और वीडियो को कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो यहाँ हम कर रहे हैं मसाला बना रहे हैं, मींस के अच्छे तरीके से उसको पीस रहे हैं। ये देखें मिक्स कर रहे हैं, एक हरी मिर्च हमने डाल दी थी साबुत ताकि वो अच्छी लगती है। अब इसको करेंगे मिक्स और थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से आँच कर देनी है हमने हल्की और ढक दिया। जैसे ही हमारा मसाले पानी थोड़ा कम रह जाएगा उसके बाद एक चम्मच डालेंगे ऑयल। ये जल्दी दिखा रहे हैं, एक चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया। जैसे ही ये भून जाएगा तो ये हो जाएगा रेडी। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। इस स्टेज पे आपने गरम मसाला भी ऐड कर लेना है इसको अच्छे तरीके से भून के। जी रेडी हो गया, अब इसको कर दिया डिश आउट। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।